हेलो एवरीबडी, वेलकम टू एक्टिव प्लस. आई एम डॉक्टर मिताली और आज मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहती हूँ बिटवीन अ फिजिकल थेरेपिस्ट एंड अ कायरोप्रैक्टर. बेसिकली दोनों ही, फिजिकल थेरेपी एज वेल एज कायरोप्रैक्टिक केयर, दोनों ही हेल्प करती हैं आपको किसी भी तरीके के पेन को मैनेज करने के लिए. चाहे आपको बहुत लंबे टाइम से कोई पेन चल रहा हो, या आपको पेन अभी किसी नई चोट की वजह से लगा हो, लंबे टाइम से आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की स्टिफनेस हो, तो दोनों ही कायरोप्रैक्ट्री एज वेल एज फिजियोथेरेपी आपको हेल्प कर सकती है उस दर्द को भगाने के लिए. लेकिन दोनों फिजिकल थेरेपिस्ट एज वेल एज कायरोप्रैक्टर में एक डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस ये है कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट जो होता है, वो उसका मेजर फोकस होता है आपकी मांसपेशियों को, आपकी लिगमेंट्स को, आपकी जितनी भी जॉइंट्स हैं उनको देखकर उनमें जो पेन डेवलप हो रहा है उसको ठीक करना. वो आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेचेस, विद द हेल्प ऑफ रिलीजेस, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइजेस. बट एक कायरोप्रैक्टर इस तरीके से काम नहीं करते. बेसिकली कायरोप्रैक्टर ये बिलीव करते हैं कि जो आपकी स्पाइन होती है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, वो आपकी रीढ़ की हड्डियों के बीच में से ट्रैवल करती है. तो ये जो रीढ़ की हड्डियों के बीच में से ट्रैवल कर रही है, उसी में से ही बहुत सारी नसें बाहर निकलती हैं. जो नसें आपके हाथों में जा रही हैं और आपके हाथों को सप्लाई कर रही हैं, जो नसें आपके पैरों में जा रही हैं और पैरों को सप्लाई कर रही हैं, और आप अपना हाथ मूव कर सकते हैं, पैर मूव कर सकते हैं, वो इसी नर्व्स की वजह से है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में से निकल रही है. किसी भी वजह से अगर ये रीढ़ दबती है, चाहे आपकी हड्डियाँ मूव कर रही हों टेढ़ी मेढ़ी उस वजह से, या फिर कोई मसल है जो आपकी हड्डी को, आपकी रीढ़ की हड्डी को इधर उधर खींच रहा है, तो जिसकी वजह से आपकी जो नसें हैं जो वहाँ से निकल रही हैं वो दर्द करेंगी, दबेंगी. अगर वो दबेंगी तो इसलिए जो भी वायरिंग, जो भी ये सप्लाई आपको जा रही है आपके हाथों में या पैरों में, वो भी दबेगी. इस वजह से आपको कहीं पे भी दर्द हो सकता है. तो एक कायरोप्रैक्टर इन सारी किंक्स को, ये जो भी हड्डी की अलाइनमेंट है जो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, उनको ठीक करता है ताकि आपको बॉडी में कहीं पर भी दर्द ना हो.